नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिन और इसको लेकर देश में जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। बीजेपी भी आज से 20 दिन तक सेवा और समर्पण अभियान चला रही है। इससे पहले जन्मदिन के पूर्व संध्या पर कल काशी में विशेष आरती भी की गई। हम आपको बता दें कि 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में प्रधानमंत्री मोदी का जन्म हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी हर साल अपना जन्मदिन बेहद सादगी के साथ मनाते हैं। गुजरात के सीएम रहते हुए भी मोदी अपने जन्मदिन को सेवा भाव के रूप में मनाते थे। जन्मदिन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। देश विदेश से बधाई संदेश भी आ रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिन है और इसको लेकर देश में जगह जगह पर कार्यक्रम भी हो रहे हैं। बीजेपी भी आज से 20 दिन तक सेवा और समर्पण अभियान चला रही है। इससे पहले जन्मदिन के पूर्व संध्या पर कल काशी में विशेष आरती भी की गई। हम आपको बता दें कि 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में प्रधानमंत्री मोदी का जन्म हुआ था और फिर मोदी हर साल अपना जन्मदिन बेहद सादगी के साथ मनाते हैं। गुजरात के सीएम रहते हुए भी मोदी ने अपने जन्मदिन को कुछ इसी तरह से यानी कि सेवा भाव के रूप में मनाया। जन्मदिन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह सीएम योगी पहुंचे थे चिल्ड्रन होम। यहां पर सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर बच्चों को फल और खिलौने बांटे। प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व देश को लंबे समय तक मिले, उनका मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में भारत दुनिया की महाशक्ति के रूप में अग्रसर हो रहा है। इस दृष्टि से उनका यशस्वी नेतृत्व निरंतर पूरे देश को प्राप्त हो, इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लखनऊ में आज प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर 71 साल के वो हो गए उनको तो शुभकामनाएं दी और इस मौके पर लखनऊ के हनुमान मंदिर भी पहुंचे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे हनुमान मंदिर और फिर पीएम मोदी के लंबी उम्र की और अच्छे स्वास्थ्य की कामना उन्होंने की। गिरिराज सिंह ने पूजा अर्चना के साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी किया, बजरंग बली को भोग भी अर्पित किया। आज प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी सेवा और समर्पण दिवस के तौर पर इसे मना रही है और पूरे प्रदेश में आज मेगा वैक्सीनेशन कैंपेन भी चलाया जा रहा है, जिसमें 35 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अकेले लखनऊ की बात की जाए तो 1 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। गिरिराज सिंह की तस्वीरें, आज सुबह लखनऊ पहुंचे, वहां पर हनुमान मंदिर पहुंचे और वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया, प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं देने के साथ साथ उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी की। नरेंद्र मोदी का जीवन समाज को समर्पित जीवन है, सेवा का जीवन है, इसीलिए उन्होंने यही काम किया और हम लोग भी सेवा समर्पण के रूप में ही उनका जन्मदिन मना रहे हैं। ना हम कोई केक काटते, ना हम कोई दूसरे तरह का उत्सव मनाते। भारतीय संस्कृति में देवी देवताओं से आशीर्वाद मांगना हमारी परंपरा रहा है। उसी परंपरा में पहले हनुमान मंदिर में लखनऊ में मैं हूँ तो हनुमान जी से प्रार्थना की है, हनुमान जी मोदी जी को इतनी ताकत दें, वो जो उन्होंने संकल्प लिया है गरीबों की सेवा करना वो करते रहें, हम सब उनके साथ जुटे रहें। तो हर नेता मोदी जी को अपने अपने तरीके से बधाई दे रहा है, उनका एक जेस्चर है और साथ ही साथ जो कार्यकर्ता है बीजेपी के और पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दे रहा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए रवि पांडे इस वक्त वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, रामगोपाल हमारे साथ गोरखपुर से होंगे, सर्वेश प्रयागराज से और विनीत हमारे साथ दिल्ली से होंगे। विनीत के पास सबसे पहले चलते हैं। विनीत, अगर दिल्ली की बात की जाए तो किस तरह से आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन को मनाया जा रहा है?
जी नीलू, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में हूं और यहां पर मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि वो यहां पर ये दिखाएं कि देखिए जिस तरह से पोस्टर लगाए गए हैं पार्टी राष्ट्रीय मुख्यालय में, और इसके अंदर पार्टी राष्ट्रीय मुख्यालय में साथ ही साथ प्रदर्शनी लगाया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रदर्शनी लगाया, साथ ही साथ यहाँ पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन भी किया जाएगा। तो साफ तौर पर जिस तरह से हम गिरिराज सिंह को सुन रहे थे या फिर अन्य नेताओं को सुन रहे थे, बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में भी सेवा और समर्पण का जो कार्यक्रम है वो यहां पर मैं चलाया जा रहा है। इसके तहत अब से थोड़ी देर बाद यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन से जुड़े हुए एक प्रदर्शनी को दिखाया जाएगा और जिसका उद्घाटन अब से थोड़ी देर बाद जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो यहां पर करेंगे। इसके साथ ही साथ यहां पर कई ऐसे लोग हैं जो रक्तदान करना चाहते हैं और वो यहां पर रक्तदान के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और जब बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अब से थोड़ी देर बाद यहां पर आएंगे तो रक्तदान का कार्यक्रम भी चलेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ नीलू, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर मैं विभिन्न मंत्रियों ने यहां पर विभिन्न आयोजन भी किए हैं। यहां पर एक तिरंगा यात्रा जो है उसका आयोजन किया गया है। यहां पर तिरंगा यात्रा जो है लाल किले तक है, जो पूर्व मंत्री हैं विजय गोयल वो यहां तक ले जाएंगे। इसके साथ ही साथ मनसुख मांडविया जो है बिल्कुल सेवा और समर्पण अभियान के तहत तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं देश भर में, प्रदेश भर में। और इस वक्त वाराणसी से रवि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, अगर वाराणसी की बात की जाए तो किस तरह से प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा है, क्योंकि हमने देखा बड़े ही सादगी के साथ प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है, कोई केक नहीं कट रहा, लेकिन हाँ सेवा और समर्पण की भावना जरूर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, देखिए भले ही बीजेपी यहाँ पे वाराणसी में सेवा सप्ताह के रूप में आज की शुरुआत की है, लेकिन अगर काशी की बात हो रही है और काशी में यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, यहाँ के जो लोग हैं वो पीएम मोदी के जन्मदिन के उत्सव में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ के लोकगीत गायकों का तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह से आज अपने गीत के माध्यम से यहाँ के जो कलाकार हैं वो नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रहे हैं। सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आज मोदी जी का जन्मदिन है, क्या खास उनके लिए आज गीत आपने बनाया है और किस तरीके से उत्साह में आप शामिल हैं? जी उनके पहले तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हमारे सभी कलाकारों की तरफ से। जी उनके किए गए कार्यों के द्वारा जो उन्होंने कार्य किया है देश के लिए, तो हम लोगों ने उसी पर एक गीत रचना किया है। हैप्पी बर्थडे मोदी जी, हैप्पी बर्थडे मोदी जी, हैप्पी बर्थडे मोदी जी, हैप्पी बर्थडे मोदी जी। हम सबको अभिमान है मोदी जी हमारे शान है, हम सबको अभिमान है मोदी जी हमारे शान है। करके दिखाया है जो कोई नहीं कर पाया है मोदी ने करके दिखाया है। अब हर घर घर की है मांगाएगी फिर मोदी सरकार, हम सबको अभिमान है मोदी जी हमारे शान। बर्थडे मोदी जी, हैप्पी बर्थडे मोदी जी, हैप्पी बर्थडे मोदी जी, हैप्पी बर्थडे मोदी जी। तरीके से जिस भी तरह से कोई गाकर, कोई तस्वीरें बनाकर मोदी जी को जन्मदिन की बधाई दे रहा है रवि। और सर्वेश भी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो जरा सर्वेश का भी रुख कर लेते हैं। सर्वेश, अगर प्रयागराज की बात की जाए तो यहाँ पर किस तरह से मोदी जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है? देखिए, संगम नगरी प्रयागराज में पीएम मोदी का जन्मदिन मनाने की विशेष तैयारी की गई है और इस मौके पर खास आयोजन किया गया है। और इस वक्त मौजूद है हम पीवीआर मॉल में, आप देख सकते हैं कि ये वही स्थान है इस बड़े हॉल में। यहाँ पर 3:45 बजे यहाँ पर एक 71 किलो का केक काटा जाएगा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही साथ इस पूरे पीवीआर को सजाया गया है, भाजपा के झंडे लगाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैलून भी लगाए गए हैं और ऊपर यहाँ पर ऑडी है पीवीआर की। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी के जीवन पर बनी फिल्म नरेंद्र मोदी का प्रदर्शन आज से शुरू किया जा रहा है। 12 बजे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इसका उद्घाटन करेंगे और वो खुद कार्यकर्ताओं के साथ वहां बैठकर मूवी देखेंगे। कुल 25,000 कार्यकर्ताओं के शो के टिकट दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ उन्हें आमंत्रित किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर आएं और इस फिल्म को देखें ताकि पीएम नरेंद्र मोदी के जीवन से वो प्रेरणा ले सके। और इस मौके पर जो खास आयोजन किया गया है उसके साथ ही साथ यहाँ पर तमिलनाडु की जो है बुलेट रानी कही जाने वाली राजलक्ष्मी मांडा भी यहां पर आई हैं और आज वो 9.5 टन का एक ट्रक खींचेंगे जिस पर पीएम मोदी का 71
फीट ऊंचा कटआउट होगा और वो 71 मीटर उसको खींचकर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगी और एक खास अंदाज में पीएम मोदी को जन्मदिन तो की बधाई देंगी। और इसके साथ साथ तमाम मोदी जी के जीवन पर बने फिल्म को दिखाया जाएगा और इसी को लेकर पूरी तैयारी वहां पर की गई है। गोरखपुर से रामगोपाल भी हमारे साथ है। रामगोपाल, गोरखपुर में किस तरह की तैयारी है? चूंकि सेवा और समर्पण की भावना के साथ प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाया जाता है, तो इसको लेकर किस तरह की तैयारी? बिल्कुल, और जो शब्द भारतीय जनता पार्टी ने पीएम मोदी के जन्मदिन को मनाने के लिए रखा है, सेवा ही समर्पण, उसके तहत सबसे पहले जो चिकित्सा प्रकोष्ठ है बीजेपी की, उसने आज जो है जगह जगह मेडिकल कैंप लगाए हुए हैं और इसी तरीके की एक मेडिकल कैंप में मैं खुद मौजूद हूं, जहां पे आप देखिए कि जो है लगातार मरीजों को यहाँ पे देखा जा रहा है और जो मरीज यहाँ पे आ रहे हैं उनकी जाँच की जा रही है। हमारे साथ क्षेत्रीय अध्यक्ष जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। और क्या कुछ कार्यक्रम है अध्यक्ष जी? भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा किया है और आज उनका 71वां जन्मदिन पूरे देश भर में खासे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज यहां पर डॉक्टर वाई सिंह जी के नेतृत्व में हमारे इस शहर के प्रमुख चिकित्सक यहां एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किए हैं और भारतीय जनता पार्टी हमारे चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक भी यहाँ उपस्थित हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जनपदों में इस प्रकार के निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और विभिन्न प्रकार के आयोजन, कोष्ठाश्रम में फल वितरण है या किसान जवानों का समय 71 किसान जवानों का सम्मान कार्यक्रम है, इस प्रकार के विशेष कार्यक्रम पूरे देश भर में हम सब आयोजित कर रहे हैं और उसी का एक अंग है कि यहाँ पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर हमारे गोरखपुर शहर के सभी सम्मानित चिकित्सकगण यहाँ मौजूद हैं, जहाँ यहाँ पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर के माध्यम से लोगों को सेवा प्रदान कर रहे हैं। यानी कि जो शब्द भारतीय जनता पार्टी ने दिया है उसी के तहत यहाँ पे मनाया जा रहा है और भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो बड़े उत्साह के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। जी बिल्कुल रामगोपाल, तो सेवा सप्ताह के रूप में 20 दिनों तक इसे मनाया जाएगा, तो इसको लेकर हर जगह कोई गाना गा रहा है, कोई विश कर रहा है। और रामगोपाल, इसके अलावा भी कहीं और कोई कार्यक्रम है आज? बिल्कुल, इसके बाद जो है फल वितरण का कार्यक्रम है, युवा मोर्चा का जो है रक्तदान का कार्यक्रम है और इसी के तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं या अन्य कार्यकर्ता, चूंकि गोरखपुर अभी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है तो वहां पे भी राहत सामग्री का वितरण होना है, मिठाई का वितरण होना है। यानी कि जो गोरखपुर है और गोरखपुर पूरा क्षेत्र है, इसमें भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बड़े तरीके से मना रही है और इसी के साथ आज मेगा वैक्सीनेशन कैंप प्रधानमंत्री बिल्कुल मेगा वैक्सीनेशन कैंप भी आज लगाया गया है, उसकी भी तैयारी की गई है। तो हर तरीके से मोदी जी के जन्मदिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। एक बार फिर से रवि के पास चलते हैं। रवि, चूंकि आपके पास कलाकार बैठे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन को लेकर उन्होंने हैप्पी बर्थडे विश किया है, लेकिन कुछ और सुनाना चाहेंगे क्या वो? जी बिल्कुल, इन्होंने कई गीत तैयार किए हैं जन्मदिन के मौके पे, बधाई गीत तैयार किए। हम बधैया गाएं, इनसे कहेंगे गाने के लिए, आपने एक बधैया गीत गाया बनाया है मोदी जी के लिए, जरा सुनाइए गाकर हमारे दर्शकों को। ये बनारस के लोकगीत में आता है, हम लोग बधाई देने के लिए। अरे बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। बिल्कुल, तो बधैया बाजे और सभी तरफ इसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी के 71वें जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं मिल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।